Now let's take you through our NDTV exclusive, which raises the question, did the police resort to firing against protesters at the Delhi's Jamia University? So far, the police has denied this charge, but evidence suggests otherwise. This was amongst the videos that circulated, showing a protester who appeared to be shot, but the police have maintained they just did not shoot. I am denying this since yesterday. Not a single bullet has been fired. This is all lies. There was also a rumor that two persons have died. No, you know, absolute lies. There was no death. Absolutely no, not a single bullet, not even a pellet was fired. It was all the tear gas which is used to disperse a mob peacefully. Sir, student hai ma'am? Yes, sir. Sir, student. Ab theek hai na? Ab. Bullet wapas aaya na? क्या हुआ सर? बुलेट है सर, बुलेट अभी वापस आ गया ना सर? वापस तो आ गया है, लेकिन अभी भी वो खून मिल रहा है। कब हुआ सर? कल के हुआ ना, कल 5 बजे। कल 5 बजे सर भी जामिया का स्टूडेंट है और सर दूसरा जामिया का स्टूडेंट है। किधर पर उसमें हंगामा में नहीं थे, आ रहे थे दवाई लेकर। ओके, क्या पढ़ रहे हैं सर जामिया का? मैं भी स्टूडेंट है इसलिए मैं पुरानी दिल्ली, मतलब कि 2 दिन का हुआ था तो गया था उसमें, मगर कल ही गया था पुरानी दिल्ली। उधर से आया तो बस उतर के आई जा रहा था उसमें, जब हुआ था उसी टाइम में बहुत भागा था। अब ठीक है ना मैम? सब सर का नाम अजार है, एजाज। क्या पढ़ रहे हैं मैम सर? सर क्या पढ़ रहे हैं जामिया? ये अभी फाइनल। क्या पढ़ रहे? बीए। कौन सा डिपार्टमेंट है मैम? Now another viral video from the clashes filmed in Delhi's Holy Family Hospital shows a third individual, Mohammed Tamin, showing that he claims a bullet wound in his thigh. He claims his medical report says that he received a gunshot injury in his left leg. He was caught up in the protest that took place out near Jamia. We'll speak to him for more. Sir, aap se janna chahenge ki aap kal kahan se guzar rahe the? Kya aap matlab kya Jamia ke student hai, kya bahar ke hain, kya exactly hua aapke saath kal? Main Jamia ke student nahi hu, main job karta hu, main ek job karne wala banda hu. Main family, mere father nahi hai, main pura family burden mere upar hai. Main Sunday ke din 4 बजे घर से चला, मैं सुखदेव यार मेट्रो स्टेशन से राइट को लिया, फिर मैं यहाँ से ओखला मोड़ की रेड लाइट पर आया तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था सूर्य होटल पर, तो वहाँ पे पुलिस ने बैरियर लगा रखा था कि इनको आगे नहीं जाने देंगे, तो वहाँ से वो स्टूडेंट वहाँ से आगे ना जाकर राइट में लेके टर्न और वो रेड लाइट पर आ गए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की, वहाँ से वो आए, वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करा, वो बैठे हुए थे, मैं वहाँ पर आया, मैं रेड लाइट पर आया और वहाँ पर एकदम से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करी तो वो एकदम से भगदड़ में भागे, मैं भी वहाँ से मैंने यू टर्न लिया तो मैंने यू टर्न लेते ही एकदम मेरी भगदड़ में मेरी बाइक गिरी, मैं वहाँ से गिरा, सामने से दिल्ली पुलिस के बंदे ने जो कांस्टेबल होगा रैंक का, उसने ना तो नेम प्लेट थी, जैकेट थी और हेलमेट था उसका, उसने सामने से ही गन से मेरे एकदम शूट कर दिया मेरे यहाँ पर, उससे यहाँ पर मेरी इंजरी हुई। नेम प्लेट आपने? नहीं, उसने जैकेट कवर कर रखी थी, उसने जैकेट पहन रखा था, हेलमेट पहन रखा था उसने, और पूरा उसने फिर एकदम से, मतलब उसने एकदम से शूट कर दिया, मतलब वो लाठी चार्ज तो भूल ही गए, और जो वहाँ पे जब लाठी चार्ज करी तो वो तो सब स्टूडेंट चले गए थे, उन्होंने किसी ने जवाबी कार्रवाई नहीं करी, लेकिन जब वो भागे, जब उन्होंने स्टूडेंट ने देखा जिसे उन्होंने मेरी एकदम शूट करा, आवाज़ आई कि भाई एकदम से, मैंने कहा मेरे गोली लगी है, तो उनमें से 2 स्टूडेंट आए भाग के, उन्होंने मुझे लिया, और जो एकदम से भाग रहे थे स्टूडेंट वो एकदम, उन्हें गुस्सा होकर जैसे ही उनके ऊपर भागे तो वो तीनों लोग भाग गए।